नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला आप सभी का स्वागत करती हूँ कुक विद क्लासी रसोई में। आज मैं आप सभी के लिए ड्राई फ्रूट्स और डेट के लड्डू बनाने की रेसिपी लाई हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे ड्राई वाले डेट्स लिए हैं, बीज निकाल दिए हैं इनके, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करें वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एक एक कटोरी। आप जो पसंद करें वो आप डाल सकते हैं इसमें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डेट्स पे हम गरम पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है गरम, और कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सिर्फ ये सफ़ेद तिल और नारियल का बुरादा हटा के यहाँ पे मैंने सारे मेवे जो भी मैं पसंद करती हूँ वो मैंने एक एक कटोरी ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लें। अब इनको मैं कट कर लूँगी सारे मेवे को। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें घी डाल देंगे। यहाँ पे मैं बादाम डाल रही हूँ, लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। बादाम को इतना सेकें कि बस खुशबू आने लगे हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करेंगे वरना वो कड़वे हो जाएंगे। यहाँ पे ये बादाम सेक चुके हैं, अब मैं यहाँ निकाल लेती हूँ इनको। अब मैं इसी में काजू डाल दे रही हूँ, काजू को भी खुशबू आने तक ही सेकेंगे। मुझको यहाँ पे 2 मिनट हुए हैं सेकते हुए, काजू भी सिक गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ, यानी कि कद्दू के बीज, और ये खरबूज के बीज, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। इनको भी इतना ही सेकेंगे कि बस खुशबू आने लगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे वरना ये भी कड़वे लगने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं किशमिश डाल दे रही हूँ, ये मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं थोड़े, इनको भी सेक लेंगे अच्छे से चटकने तक। और अब यहाँ पे मैं गरी बुरादा डाल रही हूँ 1 कटोरी, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। सारी मेवा लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे ये सब चीज़ों को भूनते हुए, खुशबू आने लगी है इनमें से। चलिए निकाल लेते हैं। जब तक मेवा ठंडी हो रही है तब तक जो डेट्स भिगो के रखे थे गर्म पानी में, इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए डेट्स को मैंने पीस लिया है, देखिए अच्छे से बारीक हो गया है, और पानी भी मैंने कम ही डाला था। चलिए अब इसको भूंज लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे फिर से मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, और जो डेट्स पीस के रखे थे वो डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से भूंज लेंगे, इसको इतना भूंजेंगे कि जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए, पानी बिल्कुल सूख जाए इसका, बस तब तक ही भूंजेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और डेट्स एक डो के फॉर्म में आ चुका है भूंज के, सारा पानी यानी कि मॉइस्चर सारा सूख गया है। चलिए अब इसको ड्राई फ्रूट्स जो सेक के रखे थे सारे उनमें मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स कर देती हूँ इसमें। अब इसको गर्म है तो इस स्पैचुला से मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ से अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लेंगे इसके। अब हाथ से मिक्स कर लेते हैं इसे। देखिए इसको मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है, अब बस अब इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अभी बिल्कुल से ठंडा नहीं हुआ है, ल्यूक वॉर्म है अभी, यानी कि गुनगुना गर्म है अभी। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया जल्दी से। देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं, इसी तरह से सारे बना लेंगे। देखिए लड्डू बनके तैयार हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। एक एक कटोरी के हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया था सारा। 2 से 2.5 कटोरी डेट्स थे और 2 टेबलस्पून घी लिया था मैंने मेवा और डेट्स को सेकने के लिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ना ही शक्कर डाली है और ना ही गुड़ डाला है। डेट्स मीठे होते हैं तो उनसे ही लड्डू में मिठास आ जाती है, और यदि आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो डेट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हेल्दी रेसिपी है ये, आसानी से बनने वाली। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।